लेकिन कुर्सी के लिए क्यों खून खराबी होता है बाबा? ऐसा आप लोग मीडिया को मैं बोल देता हूँ, आप लोग भी ऐसा बोलते जाइए, जब खून खराबी बंद करो, अच्छा करके इंजीनियर बनाओ, ब्लिस्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, बच्चा को स्कूल में अच्छा शिक्षा चाहिए, ऐसा हम लोग को होना चाहिए। क्या कुर्सी के लिए खाली खून और मर्डर, मर्डर और खून हम लोग देखने नहीं मांगता है। ये रात 2 बजे बिना ट्रीटमेंट के उनका मौत हो गया, बहुत दुख है मुझे। और कोई गांव का माताजी हो, बच्चा हो, बिना इलाज से ना मरे, तुरंत कैसे हॉस्पिटल पहुंचाओ? रोड भी खराब है गांव पे, कभी कभी नदी होता है, नाला होता है, छोटा छोटा रोड। मरीज को हम अपना बदन में बांध लेता हूँ उसको, बस उसको ले गया। ये तो मेरे अभी नशीचे माँ चलाया मेरे, बहुत गरीबों का जान बचेगी, बहुत इंसानों का जान बचेगी। नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी मैं मौजूद हूं बागडोगरा के एक समाज सेवी के घर पे, जहां पर एक विश्व प्रसिद्ध एक समाज सेवी जो कि एम्बुलेंस दादा के नाम से जाने जाते हैं, श्री करीमुल हक साहब जी, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। हम रवि देवनाथ जी के घर पे मौजूद हैं, जो बागडोगरा में एक समाज सेवी के रूप में काफ़ी फेमस हैं, झरना फाउंडेशन को चलाते हैं। और उस झरना फाउंडेशन के तहत उन्हें लॉकडाउन के दौरान और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से उन्होंने सामाजिक योगदान दिया है, वो आपने हमेशा हमारे खबर आजकल के माध्यम से भी देखा और अलग अलग जो खबर है अखबारों के माध्यम से भी आपने देखा है। और आप हमारे साथ जो करीमुल हक सर जी मौजूद हैं, इनको हमें लगता है कि आप किसी परिचय का मोहताज हैं और वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज 8 दिसंबर है और आज के दिन बागडोगरा और आसपास के क्षेत्रों में यानी आपको हड़ताल देखने को मिलेगा, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से पहले से शेड्यूल हो गया था, इस वजह से इनके हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी ये निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के थ्रू अब बाहर, और किस मकसद से वो आज इनका यहाँ पे आना हुआ और क्या वजह से वो जा रहे हैं बाहर, इनसे थोड़ा जानकारी दें। सबसे पहले सर स्वागत है आपका खबर आज। मैं जब जो जगह में जाता हूँ फ्लाइट में, दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, आपका भी प्रॉब्लम हो, ये मैं घर समझता हूँ। रवि देवनाथ जो है उनसे घर का रिश्ता है। कुछ लॉकडाउन में कोरोना महामारी में पहले जो घर हमारा घर के पास में कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल ले गया, उनको सरकार का कोई बंदा सेंडरी नहीं किया, लेकिन रोबी जाके उनको बुलाया, दादा आप जल्द से जल्द आओ हमारे गांव में, कोई सेंडरीज लेके आओ। इन्हें बैकपैक लेके गया, मशीन लेके गया, पूरे घर पूरे गांव खुद के खुद सेंडरीज किया, तब मेरा ताकत बढ़ गया। ये रोबी कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को सब कुछ देख के आया। पूरे कोरोना का महामारी में जितने दवाई अवाई हमको दिया, किट फिट दिया, कोरोना महामारी में हम लोग इसी के तरीके मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, ये झरना फाउंडेशन का ये काम करते हैं, मैं बाइक एम्बुलेंस जाता हूँ, हर एक टाइम मेरे को रिश्ता है, लेकिन मैं आपका चैनल हो, आपका कोई पेपर हो, जो भी हो, इसमें बोलने मांगता हूँ, इंसान को सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का सेवा करना, इससे कोई नहीं, कोई जात पात सवाल का नहीं है। लेकिन आज रोबिदा जो करते हैं, मैं भी ये करता हूँ। रोबिदा हम लोग के गांव में एक घर भी बना दिया है ट्राइबल लोग का, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे भी एक बायोग्राफी किताब लिखें, अमेजोन में मिल जाएगा बुक। हाँ, मैं ये भी खुश हो गया जब मैं अनाथ आदमी होके भी अमेजोन में पेंगुइन में मेरे पब्लिशर करेगा किताब, और बायोपिक होने वाला था तो जिस वजह से बात हुआ वो ध्यान हो चुका, लेकिन मैं और कोशिश कर रहा हूँ अभी ये बायोपिक बनाऊंगा मैं। डायरेक्टर आप बनाएंगे या फिर ना बॉलीवुड बनाएगा? तो मैं डायरेक्टर साहब को मैं बोला मुंबई से, मैं तुम आओ कोई दिन, आके यहाँ बातचीत करेंगे, जरूर जरूर जनवरी महीना में तुमका फिल्म चालू कर देंगे, शूटिंग कर देंगे, दूसरा नायक मैं चुना हूँ। अखन अभी जाएंगे कौन नायक, कहाँ के लिए निकल रहे हैं आज आप, कहाँ के लिए? मैं आज जा रहा हूँ बाहर में, मैं थोड़ा जरूरी काम गया, मेरा आँख का प्रॉब्लम भी है, इसका देखना है, हमारे हिमालय स्टोन जो सिलीगुड़ी का है उन्हें हमको सुहा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप ये आपको एक सेवा मिली है। ये एलबी प्रसाद हैदराबाद में जो ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, तो हिमालय ने एक सुहा हमको फ्री में दिया है, और उत्तरी प्रसाद एडवोकेट वो भी दूध दिया है फ्री में, मेरे काम देख के उन्हें दिया। मैं आपका
न्यूज से मैं उन लोग से मैं बधाई देने मांगता हूँ। बहुत मेरे नसीब अच्छा है आपको मिल गया। आपका न्यूज़ देख के उन्हें खुशी हो जाएगा। कुरमूल कोई जगह जाने के टाइम ने मेरे नाम बुलाया। सबसे बड़ा धर्म ये भी है, मेरा आग में सुआ दिया है। और आप लोग न्यूज़ वालों को मैं बोलूँगा जरूर से जरूर, आप लोग मेहरबानी करके कोरोना का महामारी में इतना अंदर जाके बात निकलता है, पब्लिक को ये बात सुना देता है, आप लोग भी ध्यान से रहिए, क्योंकि बहुत बहुत आप लोग का ध्यान रखिए, नहीं तो हम लोग खबर नहीं मिलेगा बाबू। बहुत शुक्रिया सर। ज़्यादा हम सिर्फ यही कहेंगे सर, किस तरीके से फिलहाल सामाजिक योगदान और सामाजिक सेवा पे आप लगे हुए हैं? सर आगे मैं बाइक एम्बुलेंस काम कर रहा हूँ, घर में एक हॉस्पिटल बना चुका मैंने, मेरा टाइकोनो ट्रेनिंग सेंटर है, मेरे पानी का मेरा घर, आप आइएगा जरूर, बहुत काम दे आपसे क्या। तो मेरा कहना है रोबी जैसे काम कर रहे हैं झुन्ना फाउंडेशन, मैं भी कर रहा हूँ और कुछ भी बंदा कर सकता है। सबसे इंसान का सेवा करना बराबर धर्म होता है। एक नेता एक मंत्री कुछ हो हमारे देश के लिए, अभी कुर्सी के लिए किसी को खून करते भैया ऐसे मत करिए। स्वामी विवेकानंद आदर्श से चलिए हम लोग, छोटे छोटे बच्चा लोग जो है मदर टेरेसा भोगरे निवेदित का आदर्श चलना चाहिए। फिलहाल तो बंगाल में राजनीतिक माहौल चल रहा है और यहाँ पर हर दिन कुछ उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी में? देखिए सर, पॉलिटिक्स में सीट खाली नहीं है, पूरा जाम लग गया हो, भारत के होटल में खाली है सीट, यहाँ खाली है बोलाता है, लेकिन वो लोग के सीट के लिए वो लोग झगड़ा लपंगा डंगा फंसा करते हैं। मेरा कहना है सवा ये भी मैं करता हूँ, ये भी काम करूँ। क्या आप राजनीति में आएंगे? नहीं सर, मैं राजनीति में कोई दिन नहीं आऊँगा, मैं समाज सेवा काम करता हूँ, ये काम करते रहूँगा। एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है मेरे लिए जनता है, और हम लोग का राज्यों का मुख्यमंत्री बोलता है मेरे लिए जनता है, मेरे लिए भी जनता है, आप लोग है, चलाऊंगा सेवा। जब तक मेरा दिल मांगेगा तब तक मेरा बॉडी चलेगा, समाज सेवा मैं करते रहूंगा। लेकिन मेरे एक ही बात, हमको खून ना देखने है मतदान में, इलेक्शन में तो हम खून नहीं देखेगा, हम लोग देखेंगे अच्छा देश, अच्छा राज्य, अच्छा गांव देखने मांगता है। बहुत खूब धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत कम समय था और बहुत कम बातें हो पाई। आने वाले समय में एक बार फिर इनसे हम जुड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सर आपका बेस्ट ऑफ लक और हैव सेफ जर्नी हो, अच्छे से जाएं और स्वस्थ होकर आप लौटें। यही हम प्रणाम दीजिए जी, बिल्कुल हाँ प्रणाम दीजिए, एम्बुलेंस दादा ने प्रणाम भेजा, ऐसा आपका माँ पापा को बोलिए। हाँ विद्यांग सर्वत्र गुच्छते, माता पिता सर्वत्र पूज्यते, नाम जग्ञ सर्वत्र सत्तो, देव देवता सर्वशक्ति रूपे नमस्ते शिवम नमन्वय। माँ पापा को खिलाओ, जुआन लड़का है पहले माँ पापा के खिलाओ। हम जो करीमुल हक साहब है वो सभी युवाओं से ये गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यंग हो और अपने सबसे पहला जो सेवा है अपने माता पिता के प्रति दो और उनकी सेवा करो, वहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, पहले तो बोला देव देवता अल्लाह हो कौन में हो, बोला माँ पापा को खाना दो, गरीब दुखी को खाना दो, सेवा काम करो, इससे बड़ा धर्म नहीं होता है। इंसान को सेवा करो, कोई जात पात का सवाल नहीं है मेरे पास, एक भारतीय नागरिक हूँ मैं, ये मेरा पहचान है और कुछ नहीं, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई क्रिश्चियन बैद नहीं है, मैं एक भारतीय इंसान हूँ, मेरे देश के खाऊंगा, देश को अच्छा मानूंगा, देश से ठीक से चलूंगा, ये मेरे धर्म है। लेकिन कुर्सी के लिए क्यों खून खराबी होता है बाबा, ऐसा आप लोग मीडिया को मैं बोल देता हूँ, आप लोग भी ऐसा बोलते जाइए कि खून खराबी बंद करो, अच्छा करके इंजीनियर बनाओ, ब्लिस्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, बच्चा को स्कूल में अच्छा शिक्षा चाहिए, ऐसा हम लोग को होना चाहिए। क्या कुर्सी के लिए खाली खून और मर्डर मर्डर और खून हम लोग देखने नहीं मिलता है, ये देश हमें चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारी मुलाकात अभी करीमुल हक साहब से हुई थी और उन्होंने कई तरह की बातों के साथ उन्होंने अपनी बातें जो है आप सभी के सामने लाया और एक अपनी स्वास्थ्य के इलाज अपनी आंखों के इलाज के लिए वो बाहर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के साथ वो वापस लौटे और वापस से जो सामाजिक योगदान वो हमेशा देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं, वैसे ही समाज के मूल रूप से हिस्सेदारी बनकर लगातार सेवा करते रहें। हम थोड़ा बात यहाँ पे देवनाथ जी से भी करेंगे, झंडा फाउंडेशन के दो भाई हैं उनसे भी, और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ रवि देवनाथ जी मौजूद हैं। रवि देवनाथ जी, हम जानना चाहेंगे करीम मोहल्लब साहब आए, आप आते ही उनको कुछ प्रिकॉशंस दिया उनको, और क्या कुछ कहना चाहेंगे करीमुल हक साहब है उनके विषय पर, उनके स्वास्थ्य पर? एक्चुअली करीमुल दा आँख का लिए ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उसका साथ में भी बॉम्बे में कुछ और एक सीक्रेट है वो करीमुल दा बताए नहीं, क्योंकि वो रिटर्न होने के बाद में ये बताएगा, वो बताना मना है। कुछ एक महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, हम प्रे करता हूँ ऊपर वाला से उनका ये ड्रीम सक्सेस हो, वो हमें पता है लेकिन ये अभी बताना मना है, बॉम्बे से भी बताया गया है। तो करीमुल्दा का शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे। करीमुल्दा आज हमारा यहाँ आया है एयरपोर्ट, अभी उनका 2:25 में फ्लाइट है। तो करीमुल्दा हमारा घर को अपना जैसे मानते हैं, हम भी उनका घर का अपना मानता हूँ, इसीलिए करीमुल्दा यहाँ पर आया है। तो
थैंक यू, उसको मार्क्स दिया इसीलिए कि करीमुल्दा एक मार्क्स लेके जा रहा था, मैंने बोला 6 मार्क्स दिया, कम से कम डेली 2 मार्क्स, 3 दिन के लिए जा रहा, 2 मार्क्स यूज करे। मेरा स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंता करता है मैं कैसे रहेगा, कैसे आपका बीमारी पैसा दिया। करीमुल्दा जब भी बुलाता है हम लोग कोशिश करते हैं, तो करीमुल्दा सीख रहे, किसी से सीखना पड़ता है समाज सेवा कैसे किया जाता है, इंस्पिरेशन है। पैसा दे के नहीं होता है, कि मेरा भैया न्यूयॉर्क से वो भी बोलता है कि सिर्फ पैसा से नहीं होता, कि उसका उदाहरण करीमुल हक है कि उनका पास तो पैसे नहीं है, वो कैसे सेवा कर रहे हैं। कलंदम ना भी हॉस्पिटल में पैसा दिया मेरा, वो अमेरिका में रहते हैं, तो ऐसे करके सेवा कैसे करता है सीख। बहुत अच्छा। तो इसी के साथ मैं अमर शाह एक अच्छे लोगों के साथ बात करते हुए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लीजिए हमारे समाज में ही, बड़े बड़े क्षेत्रों में तो बड़े बड़े समाज से भी हैं, लेकिन हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज का हिस्सा बनकर समाज की जिम्मेदारी को समझकर समाज के लिए सेवा करते हैं, और हमें भी उनसे सीखकर अपने आप में भी कुछ ना कुछ समाज सेवा जगाना चाहिए। आप देख रहे खबर आजकल, मैं अमर शाह खबर आजकल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपने आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर।